नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल, चैनल नंबर 9 और एनसीईआरटी का ऑफिशियल चैनल पर आप कभी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए। और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं ई विद्या चैनल नंबर 9 पर। और अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि ये सत्र हम किस स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं। आज के हम ये सत्र लेकर आए हैं 9th स्टैंडर्ड के साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। और हमारा जो टॉपिक है बहुत ही दिलचस्प है। आज का हमारा टॉपिक है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दिस इज पार्ट फर्स्ट। और इस पर हम बात करने वाले हैं। तो हमारी लाइफ के कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। ऑल दो मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपको बताने के लिए। बच्चों चलिए उनसे पहले परिचय ले लेते हैं। आप हैं प्रोफेसर कृष्ण कुमार शर्मा, आप फॉर्मर वाइस चांसलर हैं महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेरी वार्म वेलकम सर। नमस्कार जी। और अपने सभी देखने वालों को हम बताएंगे कि किन तरीकों से आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। आप हमें कॉल करेंगे हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440559, या फिर आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class9@cit.nic.in। और अपनी सभी क्वेरीज आप हम तक ज़रूर पहुँचाएँ अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ के बारे में। तो सर हम आपके पास ये सेशन शुरू करें, आपके पास एक बहुत ज़रूरी सूचना हम अपने सभी व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे रिगार्डिंग इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। वी आर इंडीड वेरी प्राउड दैट इंडिया अज्यूम्ड G20 प्रेसिडेंसी एंड विल कन्वीन द G20 लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन 2023। अ नेशन दैट डीपली कमिटेड टू डेमोक्रेसी एंड मल्टीलैटरलिज्म, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all, and in doing so manifests the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, or we can say the whole world is one family. With that very important piece of information, let's quickly get back to the session जिसमें हम बात करेंगे the fundamentals units of life part first के बारे में। तो सर हम सबसे पहले आपके पास आएंगे और जानना चाहेंगे कि क्या कुछ खास है हमारे आज के इस सेशन के लिए आपके पास बच्चों के लिए। सर नमस्कार रेणु जी, और सभी विद्यार्थियों को प्रणाम नए सेशन के लिए। आज हम एक बहुत बढ़िया एक एस्पेक्ट लेकर आए जो आपकी नवी क्लास के विज्ञान के अंदर है, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एक्चुअली अर्थ पर जहां पर हम रह रहे हैं वहां पर 5 to 100 million स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर देयर ऑन अर्थ, बहुत सारे हैं। ये 5 to 100 million बहुत बड़ा गैप इसलिए बता रहा हूँ, देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव नॉट येट बीन एक्सप्लोर्ड, जिनकी जानकारी नहीं है, और इसीलिए हमको उनको बचा के रखना है। ये भी मैसेज हम करना चाहते हैं। लेकिन आपके मस्तिष्क में एक सवाल हमेशा आता होगा, प्रश्न कि बने किससे हैं। आपको हाथी दिखाई दे रहा है, ऑक्टोपस दिखाई दे रहा है, ये नेमेटोड दिखाई दे रहा है, प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं। हमेशा बच्चे अभी भी 6th स्टैंडर्ड से 9th की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इनमें जिज्ञासा बहुत बढ़ती रहती है। विज्ञान का मतलब यह है कि जिज्ञासा पैदा करना, जानना ये क्यों है, कैसे है, किस तरह से बने हुए हैं। तो आज हम ये बताना चाहते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस चीज के बने हुए हैं। तो इस स्लाइड के अंदर आप देखते हैं कि जैसे हमारा घर है ना, यू सी हम जब घर बनाते हैं तो ब्रिक्स को इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये छोटी छोटी ब्रिक्स से बनके पूरा घर बन जाता है। तो ब्रिक बिकम्स अ बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ द हाउस। इस तरह से जब हम अपने जस्ट इमेजिन दैट दिस इज द सिचुएशन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, विभिन्न प्रकार की यूनिट्स हैं एंड दीज यूनिट्स आर देयर। ये एक ऑनियन पील की एक पिक्चर है जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स कॉम्प्रेस वे में बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। तो वैज्ञानिकों ने देखना शुरू किया, जैसे आपकी जिज्ञासा ऐसे वैज्ञानिकों की भी जिज्ञासा थी, वो जानना चाहते थे कि हमारा शरीर काय का बना हुआ है, क्या इस शरीर के अंदर कोई लंप है, कोई बहुत सारी चीज कोई लुगदी डाल दी है, नहीं। It is made up of cells, and cells are the fundamental unit of our body. लेकिन इसका पता कैसे लगाया? ये भी है। क्या हम 1665 से पहले cells के बारे में जानते थे? नहीं जानते थे। Before 1665, when Robert Hooke, ये एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, और उस जमाने के अंदर जो रोमन्स थे, डच थे, ये क्या करते थे? जरूरी नहीं कि कोई बायोलॉजिस्ट है, कोई चश्मे के अंदर कोई चीज कर रहा था, ये घड़ी के पेंडुलम पर काम कर रहे थे। तो इन्होंने एक लेंस बनाया, उस लेंस को इस बॉडी के अंदर बिठाया, और ये एक सिंपल सा माइक्रोस्कोप था। जब इस माइक्रोस्कोप के अंदर एक कॉर्क होता है, जो अब तो कॉर्क इस्तेमाल नहीं करते, पहले
शीशियां जो अपनी बोटल्स होती थी उसके ढक्कन जो है कॉर्क से बने हुए होते थे, तो उसके स्लाइस ली, स्लाइस का मतलब टुकड़ा पीस लिया, और उसने देखा कि ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। देखो ये बहुत सारे कंपार्टमेंट जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो इन कंपार्टमेंट्स को ही सेल इज द टर्म, जैसे सेल के अंदर सेल्यूलर जेल शब्द है, एक कोई कंपार्टमेंट होता है उसको इन्होंने नाम दिया। 1665 विद सिंपल माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन द कॉर्क। लेकिन जब अब हम तो उस जमाने में, रॉबर्ट हुक के जमाने में नहीं है, किसी अब तो बहुत मॉडर्न माइक्रोस्कोप्स आ गए आपके पास में, और मैं आपको बिल्कुल एक हकीकत वाला माइक्रोस्कोप आपके सामने, चित्र नहीं, एक मैं माइक्रोस्कोप लेकर आया हूँ उससे मैं आपको समझाऊंगा। वजह यह है कि जब भी आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो आपके यदि बेसिक्स एंड फंडामेंटल क्लियर होते हैं तो बहुत आगे तक आपको कोई दिक्कत नहीं होती। तो एक माइक्रोस्कोप होता है, जिस माइक्रोस्कोप का मतलब जो नेकेड आई से नहीं देख सकते उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। रेणु जी सही है ना, जब हम कोई चीज देखने की कोशिश करते हैं, अब जैसे मैं मेरा हाथ है यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ, आप कहेंगे हाथ में तो सेल दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यदि हम किसी लेंस से देखना चाहें तो हो सकता है इसका मैग्नीफाइड व्यू आए। तो एक माइक्रोस्कोप जो है जिसकी सहायता से हम सेल्स को मैग्निफाई करके देख सकते हैं। इसके विभिन्न भाग होते हैं, एक आईपीस होता है, एक आईपीस ट्यूब होती है, एक हेड होता है, एक आर्म होता है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, एक स्टेज है जहां पर स्लाइड रखी जाती है, कंडेंसर है जो लाइट को फोकस करता है, ये इल्यूमिनेटर है जिससे की लाइट जाती है। अब मैं आपको आपके सामने इसी माइक्रोस्कोप को, जो मैं रियल माइक्रोस्कोप लेकर आया हूँ, आई वुड आस्क please focus the camera here, this is microscope. Microscope दिखाई दे रहा है रणु जी? Yes sir. बहुत बढ़िया है, microscope मैं लेकर आया हूँ आज हमारे विद्यार्थियों को दिखाने के लिए कि microscope कैसे दिखाई देता है। तो ये microscope जो है इसके अंदर देखिए, मैं निकाल के बारी बारी दिखाऊंगा, ये आईपीस है जो है ना इसमें चित्र में जो दिखा रखा, दिस इज द आईपीस, आईपीस को मैंने लगा दिया, कुछ नहीं होता है, ये लेंस है, दीज आर द लेंस, ये आईपीस को मैंने वापस इसमें फिट कर दिया, ये हेड है। अच्छा ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, देखो मैं खोल के दिखाता हूँ, ये मैं बिल्कुल यहाँ पर लेकर आ गया माइक्रोस्कोप, ये एक लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस देखो ये दिखा रहा है ना, ये इसके अंदर फिट है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस को फिट करने के बाद में माइक्रोस्कोप जो है, देखिए मैं ऑब्जेक्टिव लेंस को फिर वापस लगा देता हूँ, माइक्रोस्कोप के अंदर जब ऑब्जेक्टिव लेंस लग जाता है तो उसके बाद में ये एक कॉम्बिनेशन का काम करता है ना, ये ऑब्जेक्टिव लेंस मैंने लगा दिया, आईपीस और ऑब्जेक्टिव इन हेड के साथ में, जब भी हम यहाँ स्टेज पर, देखिए मैं उंगली से दिखा रहा हूँ, जब भी स्टेज पर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस इसको मैग्नीफाई कर देते हैं। सपोज दिस इज 10x, मैग्नीफिकेशन हमेशा x से दिखा है, दिस इज 10x, दिस इज 10x, तो हमारी आंखों के अंदर 10x माने 100 टाइम्स मैग्नीफाइड दिखाई देता है। ये स्टेज है, लाइट इल्यूमिनेशन सोर्स है, ये एडजस्टमेंट्स है, जब अपन माइक्रोस्कोप को फोकस करते हैं इस तरह से फाइन एडजस्टमेंट कोर्स एडजस्टमेंट्स हैं। मैं चाहता था कि बच्चों को दिखाऊं कि माइक्रोस्कोप वास्तव में, क्योंकि स्कूल में तो नहीं देंगे, जब प्रयोग करेंगे तो कैसा दिखाई देता है। जब इस माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें बहुत सारी सेल्स नजर आती हैं, और जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले 1965 के अंदर, ये पीपीटी के अंदर मैं दिखा रहा हूँ, रॉबर्ट हुक के अंदर कंपार्टमेंट जो दिखे थे, रॉबर्ट हुक ने सेल जिनका नाम दिया, फिर एक वैज्ञानिक आए, डच वैज्ञानिक थे, ये माइक्रोस्कोप में बहुत इंप्रूवमेंट कर चुके थे, एंड ही इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इन्होंने 1674 के अंदर पॉन्ड वाटर के अंदर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहां मिलते हैं उनको सबसे पहले दिखाने की कोशिश की, और उसके बाद तो फिर ये श्रृंखला चलती गई। मैंने खुद ने भी सेल्स पर, सेल्स की मेम्ब्रेन पर, सेल की मेम्ब्रेन की पोरोसिटी पर काफी रिसर्च की। सो 1831 में सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने ये बताया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा सारा जी। और फिर तो बहुत सारी चीजें, सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं, सेल से दूसरी सेल्स बनती है, ये सेल थ्योरी वगैरह आई आप पढ़ेंगे। लेकिन क्या सेल सभी एक जैसी होती है? नहीं, हमारे शरीर के अंदर भी आप देखें तो ब्लड के अंदर ये देखिए ब्लड सेल्स दिखाई दे रही है, सब अलग अलग, आरबीसी अलग होती है, डब्ल्यूबीसी अलग होती है, ये हमारी नर्व सेल है, हमारा ब्रेन से भरा हुआ होता है। इसी तरह से फैट सेल्स हैं, कई बार होता है बहुत ज्यादा फैट डिपोजिट हो जाता है, तो दिस इज द फैट सेल। बोन सेल्स हैं, ओवम है, स्पर्मेटोजोआ है। सो
सेल एक ही तरह की नहीं होती है, सेल्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स। सर जैसे अभी आपने पिछली स्लाइड में बताया कि इतने तरह के सेल होते हैं हमारे मानव शरीर में, तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारा शरीर सेल से ही बना होता है? कैन वी से सो? हमारा शरीर सेल से बना होता है और ये सेल्स विभिन्न प्रकार की होती है। मेरी स्किन के अंदर अलग सेल है, मेरे हेयर की सेल अलग होती है, मेरे ब्रेन में अलग सेल्स होती है, तो ये अलग अलग तरह की सेल्स होती है। अब ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे अमीबा है, ये पढ़ेंगे बच्चे, रमीशियम है, प्रोटोजोन्स है, ये एक सिंगल सेल ही पूरी बॉडी का काम करती है। और ये बैक्टीरिया की सेल है, आजकल हम सब जानते हैं बैक्टीरिया जो विशेष तौर से नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, तो ये एक जब भी हम अध्ययन करते हैं तो एक बहुत बढ़िया सा प्रयोग है कि हम सेल को बताएं। देखिए विज्ञान के अंदर क्या होता है कि बिना किसी सत्यता के परीक्षण के हम किसी चीज को सत्यापित नहीं कर सकते। तो आज मैं बताना चाहूंगा, आपको भी पूछ रहे होंगे कि सर हाउ डू यू से दैट दी सेल्स आर देयर इन द बॉडी। तो ये देखिए मेरे हाथ में ऑनियन है ना, ये दिखाई दे रही है सबको, दिखाई दे रही है ऑनियन? जी सर। प्याज दिखाई दे रही है, और प्याज को मैंने इस तरह से दो पीसेस में कर दिया, ये भी आपको सबको दिखाई दे रही है ना। लेकिन प्याज के अंदर ये जो है पड़ते हैं एक परत के बाद में दूसरी परत के बाद में ये पूरा बल्ब बनाती है, और ये एक एक परत जो है विभिन्न सेल्स की बनी होती है। तो मैंने ये एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया और ये देखिए अनियन, मैं आपको बता रहा हूँ कई बार बहुत दिक्कत होती है प्रयोगशाला में, हम जाते हैं बच्चे कहते हैं सर पीलिंग हो ही नहीं पाई। आज इसको मैं पूरी तरह से मैंने खुद ने प्रयोग करके देखा, देखिए ये एक मैं पील ये दिखाई दे रहा है, देखो मैंने उठा दिया ना, ये छोटा सा टुकड़ा मैंने दिखा दिया प्याज के अंदर, जो अंदर की परत है बहुत छोटा सा छिलका, इसको पील बोलते हैं, ये पील दिखा दिया। नाउ यू कैन सी, मैं समझता हूँ ये दिखाई दे रहा होगा, और इसको मैं ब्लैक बैकग्राउंड में दिखाना चाहता हूँ जो मैंने फोर्सेप्स से पकड़ रखा है। ये दिस इज अ पील ऑफ द ऑनियन, इसके अंदर आप सेल दिखाने की कोशिश करेंगे आपके सामने, आप स्वयं देखेंगे कि यू विल प्रूव दैट द वेरियस लेयर्स ऑफ द ऑनियन दे आर हैविंग सेल्स, और उनको कैसे अपन दिखाएंगे। तो आपको प्रयोगशाला के अंदर क्या चाहिए, आपको ये सारी चीजें चाहिए, एक स्टेज चाहिए, एक कवर स्लिप चाहिए, एरिएजेंट बोतल चाहिए, अनियन चाहिए, मैं लेकर आया ये वास ग्लासेस चाहिए, ये सॉल्यूशंस चाहिए, इन चीजों की जरूरत होती है, और इनसे हम कैसे दिखाते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले तो ये पील निकालना आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम ये हकीकत में करके नहीं देखते हैं, बच्चों को कह देते हैं पील देखो, वो कभी ऊपर का छिलका ले आता है कभी नीचे का। सो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी एक टुकड़ा लेते हैं अनियन का इस तरह से, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ, इसके अंदर अंदर की परत है उसको एक फाइन फोर्सेप्स से इस तरह से उठा लेंगे। सो दीज आर द पील्स वेयर सेल्स आर देयर एंड दीज आर टू बी डेमोंस्ट्रेटेड। अब इसको डेमोंस्ट्रेट कैसे कर रहे हैं, इसके अंदर हमको पील निकालने के बाद में क्या क्या करना है, ये मैं अगली स्लाइड्स के अंदर, ये देखो पील निकाल ली आप देख रहे हैं, मैंने जो निकाल ली थी इसको दिखाया। अब मैंने इस पील को क्या किया कि एक बिल्कुल क्लीन ड्रॉप ऑफ वाटर के अंदर डाल दिया, जिससे कि बिल्कुल इसके अंदर कोई भी आसपास में कोई कचरा गंदी है वो हट जाए। फिर इसके बाद में मैं एक सॉल्यूशन होता है, देखिए मैं सॉल्यूशन भी लेकर आया था, दिस इज ए स्टेन, मैं प्लीज फोकस द कैमरा ऑन दिस, ये स्टेन है सैफरीन है, इसके एक बूंद को पानी में मिला लो तो इस तरह से बीकर के अंदर, जैसे मैंने बीकर लिया, ये बीकर मैं आपको दिखा रहा हूं, दिस इज द बीकर, इस बीकर के अंदर सैफरीन की एक बूंद मिला दो तो वो स्टेन इसलिए करते हैं जिससे कि सेल के अंदर कॉन्ट्रास्ट नजर आए, उसको अच्छी तरह हम दिखा सके। तो हमने एक बूंद ली और एक वाश ग्लास के अंदर सैफरीन स्टेन को डाल दिया, और अभी पील हमारे यहाँ पर ही है, ये धुलाई होगी इसकी पील की। फिर इसके बाद में हमने पील को इस सैफरीन वाले स्टेन के अंदर ले आया, आप सब गौर पूर्वक देखिए ब्रश से उठा कर लेकर आ गया। फिर ये लाने के बाद में मैंने क्या किया कि बूंद पानी स्लाइड होती है, ग्लास स्लाइड होती है, जिस पर एक बूंद पानी लिया, या ग्लिसरीन लेते हैं या जैसे भी सिचुएशन परमानेंट स्लाइड बनाते हैं वो हायर क्लास में सीखते हैं, तो इस ड्रॉप के अंदर इस पील को, स्टेन की पील को डाल दो और कवर स्लिप साथ में रखो। अब ये कवर स्लिप क्या होती है, एक चौकोर से शीशे का टुकड़ा होता है, इससे अपन ने इसको कवर कर दिया। कवर करने के बाद में आसपास में जितना भी पानी था बाहर था इसको अपन ने पोंच किया, और ये पोंचने के बाद में बहुत क्लीन एकदम से स्लाइड बनती है, कितनी खूबसूरत। इन ऑल दीज स्टेजेस, पीलिंग से लेके पानी में वॉश करने से लेके स्टेन करने से लेके कवर स्लिप डालने तक मैं आपको खूब अच्छी तरह दिखा दिया। मैं समझता हूँ कि सभी को जो दर्शक देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा। देन आई हैव टू ब्रिंग दिस स्लाइड
जिसके ऊपर कवरस्लिप लगा के माइक्रोस्कोप के यहाँ पर लाया और मैंने देखा तो क्या नजर आया, बड़ा खूबसूरत। आजकल तो मोबाइल से भी बच्चे बहुत सारे माइक्रोस्कोप में अटैचमेंट लगा के। सो ये अनियन का एक बिल्कुल बारीक सी झिल्ली थी जिसके अंदर देखिए ये कितने सेल्स हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं और ये इसमें न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। सो बच्चों और जो भी दर्शक यहाँ पर बैठे हैं, टीचर्स भी हैं, दिस इज द प्रूफ, ये हम प्रमाणित करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं और इस तरह से ये सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं। दीज आर द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। अब सेल का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मैं अभी सेल तो बता दी ना, तो सेल का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको बताता हूँ। ये पहले सेल का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन बता देता हूँ, उसके बाद में आगे बात करेंगे। सबसे पहले सेल के चारों तरफ जो है एक मेम्ब्रेन पाई जाती है और ये देखिए ये न्यूक्लियस है, बहुत खूबसूरत एनिमेशन है। और ये देखिए न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया चल रहे हैं, वैक्यूल्स हैं, यानी कि सेल ऐसा नहीं होता है कि कोई एक चिपका के अपन ने चित्र बना दिया। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर शोन हियर इन द सेल। और ये आप और भी अच्छा एक एनिमेशन तैयार किया है, ये देखिए ये सेल कितना खूबसूरत से आपको दिखाई दे रही है। चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है और ये मेम्ब्रेन चारों तरफ से कवर करके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं जो मैं सेकंड पार्ट में दिखाऊंगा आपको। ये न्यूक्लियस है, ये डीएनए से बना हुआ होता है। लेकिन अभी जैसे अभी आपने यहाँ पर देखी चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन है, इसको सत्यापित कैसे करते हैं? तो एक छोटी सी एक्टिविटी है आपके कि सेल को जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन में डालते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर दो तीन सॉल्यूशंस ले रखे हैं, ये एक छोटा सा प्रयोग है आपके यहाँ पर, रेजिन का प्रयोग है ना, आप रेजिन लें, रेजिन होती है ना किशमिश, और ये किशमिश को लेके और इसको सिंपल पानी में डाल दें। तो देखो मैंने कैमरा को यहाँ पर फोकस करें प्लीज, ये मैंने किशमिश ले रखी है, दिखाई दे रही है सबको किशमिश? जी सर, ये किशमिश है जी। ये मैंने किशमिश को क्या है रेणु जी, सिंपल पानी में डाल दिया। अब ये देखो किशमिश की क्या स्थिति होगी, तो सारी भूल गई जी, लगी नहीं रही कि मैंने इनको डाला, अभी करीब आधा घंटा पहले डाला था, देखिए सब भूल गई। क्यों भूल गई? क्योंकि किशमिश के अंदर जो कंटेंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी सांद्रता और कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो पानी मेम्ब्रेन, जो मैंने बताया ना कि मेम्ब्रेन इज देयर इन द सेल, मेम्ब्रेन के थ्रू पास होता हुआ इस किशमिश के अंदर घुस गया और ये किशमिश फूल गई। और यदि मैं इन किशमिश को, ये देखो मैंने शुगर सॉल्यूशन लिया, ये एक्टिविटी है क्या पर, ये शुगर है और ये शुगर सॉल्यूशन मैंने बनाया, देखो ये बना दिया, बना रहा हूं मैं, दिख रहा है जी, ये कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन मैंने बना दिया। इस कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन के अंदर मैं फूली हुई किशमिश को यदि मैं डाल देता हूं, देखो ये डाल रहा हूं, तो सब ये सिकुड़ जाएंगे, इनका पानी जो है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि बाहर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर की पानी ज्यादा भरा हुआ है, बाहर शुगर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो अंदर किशमिश का पानी निकल के बाहर शुगर सॉल्यूशन में चले जाएगा और ये किशमिश वापस वैसी की वैसी हो जाएगी जैसी कि इसमें दिखाई हुई है। आपने सामने देखा होगा किशमिश काहे की बनी होती है, देखो इनको देखते हैं, मेरे तो मुंह में पानी आ गया, अंगूर की बनी होती है, अंगूर को जब ड्राई अप कर लेते हैं तो इनकी मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर गेट्स अवे। तो ये एक दो एक्टिविटीज इनको करनी है इनके कोर्स के अंदर है, कि किशमिश को सिंपल पानी में डाल दिया तो भूल गई, और किशमिश को सॉल्ट सॉल्यूशन शुगर सॉल्यूशन में डाल दिया कॉन्सेंट्रेशन में तो ये सिकुड़ गई। ये आपके सामने दिखाई दे रही है, ये तो फूली हुई है रेजिन्स है और ये देखो सिकुड़ी हुई है। तो व्हाट वी हैव लर्न टुडे, देखिए अब हम आ जाते हैं उस बात पर कि आज हमने क्या सीखा। एक तो कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर हैविंग द बेसिक फंडामेंटल यूनिट दैट इज अ सेल, और सेल को डेमोन्स्ट्रेट आप कैसे करेंगे, आप सब वैज्ञानिक है, छोटे छोटे हमारे वैज्ञानिक है, यू विल डेमोन्स्ट्रेट यूजिंग द अनियन पील, हैंडलाइन से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी बॉडी पर क्या क्या चीज दिखाई देती है। सो टू सम अप दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप फ्रॉम द फंडामेंटल बेसिक यूनिट दैट इज सेल।
दूसरा ये है कि इसको डेमोन्स्ट्रेट हम कर सकते हैं, ऑनियन पील को स्टेन करके दिखा सकते हैं, और तीसरा सेल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है वो ऑस्मोटिकली परमेबल होती है। यदि हायर कंसंट्रेशन के अंदर दिया जाता है तो सेल के अंदर उपस्थित पानी हायर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में आ जाता है। तो ये चीजें मैंने, क्योंकि आपने मेरे को बताया, इफ देयर आर क्वेश्चंस आई कैन आंसर रेणु जी, बट दिस इज द मेन कंपोनेंट व्हिच आई वांटेड टू कन्वे टू द स्टूडेंट्स। सर यहाँ पे हमारे पास कोई सवाल तो नहीं आया, लेकिन एक सवाल है मेरे पास जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या कोई ऐसा सिंपल सा प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, जिसके द्वारा हम ये बता सके कि जो सेल्स हैं वो शरीर के यूनिट के तौर पर हम जिसे दर्शा सकें। सर जैसे आपने अनियन पील का उदाहरण दिया, ये सर जिस तरह से मैंने उदाहरण दिया कि सेल्स प्लांट में पाई जाती है, इसी तरह से हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। एक छोटा सा प्रयोग ये होता है कि हम जब कई बार च्युइंग गम वगैरह खाते हैं ना, तो अपनी ओरल कैविटी के अंदर के भी सेल्स को हम इसी तरह से स्टेन करके देख सकते हैं। इसके अलावा जब भी हम हायर क्लासेस के अंदर, तो पूरी एनाटॉमी के अंदर एक एक सेल की स्ट्रक्चर्स दिखाई जाती हैं। यदि सेल्स नहीं हो तो हमारी बॉडी फंक्शंस करेगी नहीं। हमारी बॉडी एक कंपोजिट पार्ट है सेल्स का। सो इवन इन ह्यूमन बॉडी ऑल्सो वी कैन डेमोन्स्ट्रेट दैट बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। मैं जवाब दे पाया ठीक तरह से? जी सर। सब जाते जाते अभी भी हमारे पास तकरीबन एक मिनट का समय, कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स आप सभी स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे कोई सेल्स के? मैं ये जानकारी देना चाहूंगा इन अ ब्रीफ सर, एक बिल्कुल शॉर्ट के अंदर मैसेज देना चाहूंगा कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, हमें इनको हेल्दी रखना है। एवरी सेल इज सेंसिटिव, उनको सही तरह से भोजन मिलना चाहिए, पॉल्यूटेंट्स नहीं मिलने चाहिए। हम कभी भी जंक फूड वगैरह खाते हैं, हम खा तो लेते हैं लेकिन हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वो हमारी सेल्स पर जाके उनके मॉलिक्यूल्स किस तरह से दुष्प्रभाव डाल सकते हैं। सो वी हैव टू मेंटेन आवर बॉडी हेल्दी बाई मेंटेनिंग दी सेल्स हेल्दी। हमारी सेल्स हेल्दी रहेगी तो हमारी बॉडी अच्छी हेल्दी रहेगी। और अगले पार्ट के अंदर, इसी चैप्टर के अगले पार्ट के अंदर में सेल के अंदर पाए जाने वाली विभिन्न यूनिट्स हैं, सेल ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गॉल्जी बॉडी है, इनके बारे में आपको इस तरह जानकारी दूंगा। डेफिनेटली सर, हम उस सेशन का वेट करेंगे। मुझे बहुत पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने भी व्यूवर्स साथ रहे उन्हें बहुत ही अच्छे से समझ में आया फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ के बारे में। थैंक यू सो वेरी मच के सर हमसे जुड़ने के लिए। सर थैंक यू वेरी मच। और इससे पहले कि मैं ये सेशन यहाँ पे वाइंड अप करूँ, लेट मी शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनसीईआरटीज टेक्स्ट बुक्स। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स फॉर द ईयर 2023-24 आर अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री एंड दीज टेक्स्ट बुक्स मे बी परचेज डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी सेल्स काउंटर्स लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, बंगलुरु, कोलकाता एंड गुवाहाटी। These sales counters will be functional on all the weekdays, including all the registered holidays, Saturdays, Sundays as well, from 9:30 a.m. to 6 p.m. You may also place order for the books through online through our website, that is ncertbooks.ncert.gov.in, and these books will be delivered at your doorsteps with no delivery fees. And if you want a soft copy of the books in PDF version, you can also download for free from NCERT, Diksha, ePathshala website and from our mobile app as well. Please visit the website ncert.nic.in to know more about the authorized vendors. With that very important piece of information, let me wrap up this session. But aap bane rahiye hamare saath e-vidya channels pe. Hamara agla session hai Sanskrit ke navi kaksha ke vidyarthiyon ke liye. Abhi filhal mujhe Renu Bhatt ko dijiye ijazat. Namaskar.